हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और राखी है तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जस्ट अभी मैं आई मार्केट से, मार्केट गई हुई थी तो मैं भींग गई हूँ। राखी खरीदने के लिए गए थे हम और लक्ष्य, तो मार्केट का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी ना, और स्कूटी से मैं गई थी तो पॉसिबल नहीं था। तो फ्रेंड जैसे ही मैं आई ना, रजनी का वीडियो आया, शो आया, और सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को फाइनली ले आया है वीडियो में, और आज आप लोगों की देखिएगा। तो फ्रेंड आज सबका मुंह बंद हो गया होगा, जितने भी बैठ कमेंट करते थे कि रजनी का हस्बैंड नहीं है, बच्चे ऐसे है वैसे है, आप सभी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो भी रजनी को गलत समझते हैं या तो सोचते हैं कि अपना हस्बैंड को लाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं लाना चाहती, तो बस कुछ मजबूरी हो जाती है फ्रेंड, इसलिए। तो आगे मैं थोड़ा सा वीडियो उनका शेयर की हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। उनका हस्बैंड है और वो अपना हस्बैंड को लाए हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या बोलूँ तो लाइक तो बनता है, और इसी दिन का इंतजार था, तो कहीं ना कहीं थैंक यू रजनी कि आपने अपने हस्बैंड को लाया और सभी का मुंह बंद कराया। तो क्या है ना कि कुछ मजबूरी हो जाती है, इस वजह से हस्बैंड को हम नहीं ला पाते हैं वीडियो में, लेकिन व्यूवर्स है कि समझते नहीं है, उन्हें तो बस राय का पहाड़ जैसे बोलते हैं ना, बस वो बनाना होता है। तो मैं रक्षाबंधन में जाऊंगी और रजनी से मैं जरूर मिलूंगी वापस से, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि मैंने रक्षाबंधन पे क्या क्या शॉपिंग की है, तो चलते हैं उसके लिए हम घर के अंदर, है ना और मैं आज पहली बार ये सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रही हूँ। देखिए ऐसी है यहाँ पे, हाँ वो अकेले थे घर में, ऐसे घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो फ्रेंड उधर दरवाजे पास कपड़े सूख रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बारिश हो रही है ना, कपड़े सारे यहाँ वहाँ अभी फेंके रहते हैं, तो बस वहाँ मैंने फेंक दिया हुआ है, तो उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने राखी ले आई है, ये देखिए इस तरीके का राखी, आप देखिए यहाँ पे भैया लिखा हुआ है और इस वाले राखी में भाई लिखा हुआ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये वाला मैंने राखी लाया हुआ है। देखिए मैंने टोटल कितने लाए हैं, 12, 13, 14 पीस लाया हुआ है, हाँ ये देखिए। और मिठाई लाई हूँ, तो मिठाई नहीं दिखाऊंगा तो आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा, है ना, फिर बोलोगे कि स्मिता मिठाई दिखा रही है। और बस जो उनके सिस्टर को लक्ष्य गिफ्ट देगा, छोटे छोटे ज्वेलरी में लाई हुई हूँ और ज्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, और ये एक छोटा सा एक गिफ्ट है, किसी को मैं दूंगी तो उसके लिए है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने गिफ्ट किसके लिए लिया है और इसमें क्या है, आपको जरूर दिखेगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सुनीता को सपोर्ट करें, सुनीता के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सुनीता कुछ भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अभी काफी दिनों से रजनी जैसे टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि बहुत सारे लोग उसे रोस्ट कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, ऐसे वैसे हस्बैंड को लेकर, बच्चे को लेकर, तो फाइनली वो सोल्व हुआ। फिर मनीषा के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो दोनों में अनबन मतलब हो रही थी, वो उसका वीडियो बना रही थी, ये इसका वीडियो बना रही थी, तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इससे माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। और रजनी ने मुर्गा महादेव, रजनी गई वहाँ का वीडियो अपलोड की, उसके मतलब वो अपलोड की, तो चलो हम यहीं से दर्शन कर लिए और फाइनली आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग भी खुश होंगे कि रजनी का हस्बैंड आ गए हैं वीडियो में। तो फ्रेंड थोड़ा देर में शांत रहती हूँ और साइड में लगाती हूँ रजनी का वीडियो, आप देखिए। तो फ्रेंड देखा ना, रजनी का हस्बैंड है, लाइव प्रूफ आज रजनी ने दिखा दिया। तो कुछ किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से वो नहीं ला पाते हैं वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हस्बैंड नहीं है, उनके हस्बैंड है, हालांकि वो पीछे से ही दिखाई, लेकिन कोई कोई हस्बैंड होते हैं शर्मिले होते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं आते हैं वीडियो में, मैं कभी चुपके से वीडियो बना देती हूँ तब आते हैं, या तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो ऐसे ही पीठ दिखा के ही वीडियो करते हैं, बहुत कम ही वो आते हैं वीडियो में, आप देखिएगा मेरे ब्लॉग में, तो वो नहीं आना चाहते हैं।
ये है, लेकिन रजनी ने आज साइड से हालांकि दिखाया, साइड से उनका फेस दिखा और हाइट भी उनके काफी अच्छी है ना। रजनी से मतलब रजनी से थोड़ा सा हाइट ऊंचा है, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। और पीछे से ऐसे ही हमने देखा, पर देखा आप लोगों को लाइव प्रूफ दिख गया कि रजनी का हस्बैंड है। तो रजनी को बैड कमेंट करने वाले कमेंट मत कीजिए प्लीज, है ना, किसी का मजबूरी हो जाता है फ्रेंड, इसलिए वो नहीं ला पाते हैं हस्बैंड को। और आज सभी का मुंह बंद कर दिया जो कि रजनी को गलत बोलते थे कि उनका हस्बैंड नहीं है। आज उनका हस्बैंड कैमरा को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोग कमेंट करते थे, ऐसा भी क्या है हस्बैंड इतना भी क्या बिजी है कि तुम नहीं दिखा सकते थोड़ा भी साइड से, लेकिन रजनी ने साइड से और पीछे से दिखा दिया है। और आपने देखा ना, उनका हस्बैंड बिल्कुल भी आना नहीं चाह रहे थे कैमरा में, वो भाग रहे थे हाथ छोड़ा के, लेकिन रजनी ने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है ना, तो हमने तो वो मोमेंट देख लिया। लेकिन उसके बाद पता नहीं रजनी को डांट पड़ी कि क्या, पता नहीं कि क्यों मेरा तुम वीडियो बनाए, होता है हस्बैंड वाइफ का खट्टा मिट्टा झगड़ा होता है ना, बस उस टाइप से। लेकिन रजनी ने कोशिश किया आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए और फाइनली अपने हस्बैंड को दिखा दिया। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं भी इस पर वीडियो बना दूं और आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोग नहीं देखे हो तो उनके हस्बैंड को देख लीजिए और बैड कमेंट मत कीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोग रजनी के हस्बैंड को देख लिए होंगे और पूरा फेस रिलीव भी होगा, पूरा फेस भी वो दिखाएंगे जब उनका हस्बैंड खुद अपना मर्जी से आएंगे वीडियो पे। तो इतना आप लोगों के लिए काफी है ना, बैड कमेंट करने वाले इतना तो काफी है। उम्मीद है आप लोगों को मतलब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि रजनी का हस्बैंड है या नहीं। और रही बात मांग में सिंदूर लगाने की, तो फ्रेंड बहुत से कास्ट में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे कास्ट से शादी करके लाने से क्या होता है, एक जाति होता है, जाति किया जाता है, शादी कराया जाता है, उसके बाद ही उसे वो मांग में सिंदूर लगा सकते हैं। तो सबका कास्ट में अलग अलग होते हैं रीति रिवाज। देखिए मेरे बच्चों को देखिए कैसे शैतानी कर रहे हैं, अभी पड़ेगी नहीं पिटाई, देखे कितना शैतानी कर रहे। तो सब कास्ट में अलग अलग होता, तो किसी को भी हमें फट से कुछ नहीं बोलना चाहिए कि सिंदूर नहीं लगाती है, हस्बैंड नहीं है इसीलिए, है ना। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा और आज के बाद रजनी को बैड कमेंट मत कीजिएगा। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि थोड़ा सा ही सही पर उनका हस्बैंड को हमने देख लिया, सारे लोगों ने देख लिया, है ना। तो रजनी आपने ये बहुत अच्छा किया कि अपना हस्बैंड को ऐसे थोड़ा सा ही दिखा दिया। आप समय सब लोगों को आपने सब लोगों की बोलती बंद कर दी जो भी बैड कमेंट कर रहे थे। तो फ्रेंड बस मैंने भी शेयर कर दिया, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत जल्द रजनी से सेकंड मीटअप हमारा होने वाला है, तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सुनीता आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करती है, थैंक यू। और हाँ अच्छे से देख लीजिएगा रजनी के हस्बैंड को, साइड से ही सही पर अच्छे से पॉज कर करके देख लीजिएगा कि उसका हस्बैंड है ना। चलिए सुनीता मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।